सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों की तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे रैबिट्स को कौन कौन से फूड्स देने से उसका हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए डेंजरस है, तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग जाने अनजाने में दे भी रहे हो तो वो बिल्कुल भी देना बंद कर दीजिए। तो घरेलू ऐसे कुछ फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके रैबिट्स के लाइफ लाइन कम कर देते हैं या फिर खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो रही है और उसके बाद डेथ भी हो सकती है गाइस। तो देन जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुगलू उठ जाओ, वो मेरे बालों के अंदर छुपके रहने में उसको बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे जो इंडियन रिंगनेक पैरेट है, जो मेरी हैंड टेम पैरेट है, वो भी सेम, अगर मेरे बाल खुले रहे तो वो मेरे बालों के अंदर छुप जाते हैं और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वो ऐसे ही रहना चाहती है तो रहे, नहीं तो मैं बाल जितना हटाऊंगी वो उतना पीछे चले जाएंगे बालों से खेलने के लिए। तो बाय द वे, जो मैं आप लोगों को बता रही थी रैबिट्स को कौन कौन सी खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसके लिए डेंजरस होती है। सबसे पहला जो मुझे कॉमन सी क्वेश्चन रिसीव होती है जब भी मैं रैबिट्स के कोई फूड से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ, वो बर्ड्स की सीड्स क्या अपने रैबिट्स को हम लोग दे सकते हैं? तो मैं स्ट्रिक्टली मना करना चाहती हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं। रैबिट्स के लिए सीड्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, रैबिट्स को सीड्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगी वो है नट्स, किसी भी किस्म के बादाम हो बिल्कुल भी अपने रैबिट्स को मत दीजिए, ये हो गई सेकंड। थर्ड है मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी कुछ हो, चाहे वो चॉकलेट हो, मिल्क हो, योगर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए गाइस। आपके रैबिट उसे मर भी सकती है लूज मोशन की वजह से, तो बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आप लोग देते भी हो तो बच्चे रैबिट्स को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, इधर आ जा, आ जा। सो सॉरी गाइज, तो मैं क्या कर रही थी, बच्चे रैबिट्स को भी गोट मिल्क देना चाहिए, बिल्कुल भी काउ मिल्क या फिर किसी भी किस्म के मिल्क हो बिल्कुल भी मत दीजिए, चॉकलेट हो या फिर कोको पाउडर हो, केक्स हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फोर्थ में बताऊंगी शुगर, किसी भी खाने पे आप लोग शुगर यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कोई फ्रूट से जिसके अंदर नेचुरली शुगर है, जैसे कि एप्पल में एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी एप्पल्स वगैरह मत दीजिए। उसके अंदर एप्पल्स दे भी रहे तो एज अ ट्रीट दीजिए उसके अंदर जो भी। ओके, ये देखिए रैबिट्स को जो है बिल्कुल भी सीड्स के साथ जो भी आप लोगों की फ्रूट्स आती है बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों, अच्छा सॉरी, ओके, वो मेरे बालों के अंदर जाके, वैसे ना मैं जब सोती हूँ उसका हैबिट हो गई है बालों के अंदर जाके छुपना, इसकी वजह से मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, नहीं तो मैं नीचे रख रही हूँ तो मेरे पैर पे आके डिस्टर्ब कर रही है। सो यस, जो भी मैंने आप लोगों को बताई है और कुछ मैं भूल रही हूँ क्या, कॉफ़ी हो या फिर कुछ भी हो ये सब बिल्कुल मत दीजिए। एंड गाइस, कुछ कुछ होती है सॉल्टी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि नमक से रिलेटेड खिचड़ी हो गई या फिर घर पे पकाए हुए खाना बिल्कुल नहीं। रैबिट के लिए सेफ जो खाना होती है फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है, और कुछ आप लोग ट्रीट्स दे सकते हो, लेकिन नमक इस्तेमाल की हुई खाना या फिर दुकान से चिप्स वगैरह ला के दे देना बिल्कुल भी नहीं गाइस, उससे जो है इसका फर खराब हो जाती है एंड उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बस इतना सा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती थी। तो इस तरीके का जो भी खाना है अगर आप लोग देते हो, आलू वगैरह बिल्कुल मत दीजिए। सो मेरी आज की वीडियो बस इतना ही, आप लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मुझे लगा एक वीडियो क्यों ना बना लूँ, इसको मैं जाके अच्छे से रख दूँ बेड पे, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है और बहुत गर्मी भी है। तो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।